शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात, जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया, तो हम कुछ भी निर्णय ले पाने नहीं ले पा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में जो घमासान इतने लंबे वक्त से चल रहा था, अब उसका अंत हो चुका है। जहां पहले शिवसेना में टूट हुई, फिर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी से इतने विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। कोई तो वजह होगी जो इतनी संख्या में विधायकों ने बगावती टेवर अपना लिया। तो अब इस सवाल का जवाब खुद एकनाथ शिंदे ने दिया है और बताया है कि इस टूट की वजह क्या थी। साथ साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के जरिए तंज कसते हुए कहा कि वो और उनके साथी शिवसेना विधायक हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने शिवसेना में पड़ी टूट को लेकर कहा कि अगर किसी पार्टी के 50 विधायक कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो उसके पीछे अवश्य ही कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। वहीं उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को भी घेरा और कहा, हमने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन चुनाव जीतने के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। कांग्रेस और एनसीपी से शिवसेना के गठबंधन को लेकर विधायकों में असंतोष था। अब इनके इस बयान का मतलब समझिए। शिवसेना को खड़ा करने वाले बाला साहब ठाकरे की रणनीति अलग थी। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा था। वो हमेशा से हिंदुत्व के समर्थन में थे, उस पर हमेशा आवाज उठाते थे, और साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस को लेकर उनके विचार भी अलग थे। लेकिन आज की शिवसेना इनके विचार से बिल्कुल ही अलग है। साथ साथ जिस एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर लिया था, वो शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के प्रति हमेशा वफादार रहे, उनके विचारों को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो ऐसे में शिंदे इस शिवसेना से नाराज थे। अब विधायकों की नाराजगी को लेकर भी एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार में विधायकों को विकास कार्य करने के लिए फंड नहीं मिलता था, जिसके कारण विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में आवश्यक विकास कार्य करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। सभी विधायकों के उनके इलाकों में विकास कार्य करने के लिए समय पर फंड रिलीज किया जाएगा। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है एकनाथ शिंदे ने। हमारे हिंदुत्व सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो हिंदुत्व के विचार हैं, उनकी भूमिका है, उसे आगे ले जाने का फैसला हम लोगों ने किया है। जो महाविकास आघाड़ी में हमारे लगभग देखो 50 एमएलए हो गए, 40 और 10 सहयोगी, ऐसे 50 एमएलए एक साथ में अगर ऐसी भूमिका लेते हैं तो इसका कुछ बड़ा कारण होगा। ऐसे छोटे मोटे कारण से ऐसा कोई बड़ा डिसीजन कोई लेता नहीं। आज एक सर्वसाधारण अगर कॉरपोरेटर, एक पार्षद भी ऐसा डिसीजन लेता नहीं, तो 50 एमएलए ऐसा डिसीजन, ऐसी भूमिका क्यों लेते हैं? इसका कुछ रीज़न है, इसका विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन हम लोगों ने जब शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था 2019 में, लेकिन सरकार बन गई कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, और इसके वजह से हिंदुत्व की बात, जब जब हिंदुत्व के मुद्दे आए, सावरकर जी का मुद्दा आया और कई मुद्दे आए, मुंबई बॉम्बलास का मुद्दा आया, दाऊद का मुद्दा आया, और भी कई मुद्दे जब आते थे, तो हम कुछ भी निर्णय ले पाने नहीं ले पा रहे थे। और इसलिए, और दूसरी बात है, जो हमारे 40-50 विधायक जो है, उनके चुनाव क्षेत्र में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ रहा था, क्योंकि अन्य जो हमारे घटक पक्ष है, वो उनको जो वहाँ पर उनके सामने जो इनकी जो पराजित हुए थे, उनको उनकी ताकत बढ़ाने का काम अन्य घटक पक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात, जब हम लोग चुनाव में जीतते हैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र के जो मतदाता है, उनकी अपेक्षा होती है डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, जितने भी मूलभूत जो काम है डेवलपमेंट के, वो अपेक्षा रहती थी। लेकिन हमारे एमएलए जो है, विधायक जो है, वो नहीं कर पा रहे थे, फंड की कमी थी और बाकी सब समस्या थी। और इसलिए हम लोगों ने कई बार हमारे वरिष्ठ जो है उनसे बातचीत की इसके बारे में कि हम इसमें करेक्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई।
और हम उसमें सफल नहीं हुए दुर्भाग्यवश, और इसलिए ये भूमिका हमारे 40-50 विधायकों ने ली।